30 देंगे भाई एप्पल से। और बता कैसा लग रहा गाड़ी में बैठ के तुझे? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चला देते हैं। गाने वाने चला, गाने चलाना कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मैं बंद कर दूंगा इसको। 400-500 मीटर होगा मैक्सिमम, और यहाँ पे सबके रेडिएटर खुल गए यार। यहाँ तो सब खुलने का रीजन ये है ना कि तुम्हारे पास गियर नहीं है ऊपर जाने के लिए। आपके पास गियर होते तब भी आप नहीं जा पाते, आप तो मत बोलो। गियर होना चाहिए ना भाई। इधर गिरो, भाई इधर से एक काम करो, इधर से चलते हैं, गिरते हैं, नीचे मिलेंगे यार। भाई अपना बैठा है। भाई भाई गुस्सा हो गया भाई, चला गया। मुझे गिरेगा ना ये, पता नहीं पता नहीं तो नीचे मिलेगा ऊपर मिलेगा कि नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू गियरबॉक्स ऑटोपीडिया। तो आज है तीसरा दिन और आज हम है नारकंडा में। बट यार एक प्रॉब्लम हो गई, जो कि जिस जगह के लिए हम लोग आए थे वो यहाँ पे बंद कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ कुछ ज्यादा ही है। बट हम लोग जाएंगे, देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं और बर्फ का क्या सीन है, और हम अपडेट करते रहेंगे। और बाकी एक दो जगह बोली थी यहाँ पे कि आसपास कोई लेक है, बट मुझे हम जैसा कि हम लोगों ने नेट पे सर्च किया, सब आज ही निकलेंगे सब। तो जैसा कि हमने नेट पे सर्च किया तो वो जगह उतनी कुछ खास नहीं थी, मतलब इतनी हैपनिंग नहीं लग रही थी, तो हमने वहाँ जाने की नहीं सोची है। और एक थी, कुछ लोग बोल रहे थे कि वहाँ इस जो ये पहाड़ है इसके पीछे स्कीइंग कर सकते हो, बट यार वही है, वो कुछ नहीं, वो पहना देंगे और फिर हमें खुद ही रेंगना पड़ेगा। तो अब बस चलते हैं वहीं पे, और फिर अब ये जो गाड़ी खड़ी है अपनी नीचे, इसका रिव्यू शूट करेंगे आज, वो भी आपको चैनल पे इन ये सीरीज आने से पहले वो रिव्यू आपको मिल गया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। तो बस अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। क्या हो गया भाई? भाई देख रहे हो इतनी, मतलब ऐसा जान निकल जाती है कुछ भी, जरा अगर हल्का सा भी, जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसे आते भाई। टप 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 भाई, दिल जिंदल भाई, दिल ठीक है? मत पूछ यार, अब वो बचाने के लिए काफी कुछ किया था मैंने, अब नहीं बचता वो भाई। देखेंगे नीचे चल के क्या हुआ, और जिंदल भाई से ही पूछेंगे, भाई ये इधर ठीक है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो भाई चलते हैं, देखो सामान वामान तो खैर नहीं देखो तो अच्छा, बस ऐसे हो गया, सब तैयारी वैयारी कर दी है, अब निकलते हैं यार फिर। पर यार यहाँ बस यही दिक्कत है, अभी ना 3 फ्लोर नीचे पैदल जाना पड़ेगा यार, लिफ्ट होती तो मजा आ जाता। और यहाँ पे ये था अपना व्यू, इस व्यू के लिए 3 फ्लोर अगर ऊपर चढ़ना पड़े तो वर्थ इट है। वर्थ है? मेरा बैग ले लो। क्यों अब क्यों अनसुना कर दिया? बैग लेके आता हूँ, मुझे पता था कि चढ़ना पड़ेगा ऐसी जगह। तुम यार भाई व्यू देखो आप, सामान रखना चालू। हाँ मेरा भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ, तुम्हें कोई दिखाते हैं। नाम बताना अपना। सनी। सनी नाम है भाई इसका। क्या हुआ भाई? फोटो ले ले भाई, फोटो ले ले, तेरी गाड़ी है। और बता क्या कैमरा से खींचो ना, एप्पल कैमरा खींचे, खींच देंगे भाई एप्पल से। और बता कैसा लग रहा गाड़ी में बैठ के तुझे? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? चाबी का। गाने वाने चला, गाने चलाना कॉपीराइट आ जाएगा, फिर मैं बंद कर दूंगा इसको। तो भाई कुछ अभी ऐसा फोटो शूट चलता हुआ हमारी गाड़ी साथ, भाई फोटो शूट करते हुए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हाटू पीक पे, और वो जो सामने आप देख रहे हो ऊपर, वो है हाटू पीक। ये ऊपर जो पीक है, मतलब जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो पीक जा रही है ऊपर की तरफ, यहाँ पे वो बोल रहे थे 9-9 फीट की बर्फ है। तो बिना बूट के, क्योंकि अभी हमने तो नॉर्मल जूते ही पहने हुए हैं, मतलब इसका ऐसा था कि पहले 2-3 किलोमीटर तो तुम वाया कार जा सकते हो 4x4, बट इतनी ज्यादा बर्फ है यहाँ पे भाई कि अब कार नहीं चल रही कोई यहाँ पे, तो सिर्फ पैदल का ट्रैक है। से कम ये 4.5 घंटे का रास्ता है एक साइड का, और भाई 9 घंटे लग जाएंगे, आज पूरा दिन हो जाएगा, आज संडे है, लास्ट है, एंड हमें शाम को 8 पहुंच नहीं है, पहुंचना भी है। और भाई ये देखो बर्फ कैसे जमी ब्लैक है, ब्लैक है, ये देखो जमी हुई है भाई, स्लिपरी बहुत है यहाँ पे अभी, मतलब चलने में भी डर लग रहा है। ये देखो आप, ये देखो तुम, वैसे वैसे मजा तो है, वो देखो यार 800 भाई 800 भाई 800 लेके मॉडिफाई कराते हैं, उसकी छत खुलवाते हैं और उसको फिर लेके आएंगे यहाँ पे कभी। भाई सही में फिसल रहे हैं पैर भाई, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे, फ्रेश बर्फ तो है बट यहाँ से निकल रही है भाई, रुई ऐसी बर्फ है भाई। आय भाई, टट्टी नहीं भाई, बर्फ ही फेंकी थी यार, मत फेंक भाई, इधर गिरो, क्या सकता है भाई, भाई इधर से एक काम करो, इधर से
चलते हैं, गिरते और नीचे मिलेंगे। यहाँ से गिरेगा ना ये, पता नहीं पता नहीं तो नीचे मिलेगा ऊपर मिलेगा कि नहीं। कितना होगा ये? आधा किलोमीटर ही होगा। नहीं नहीं भाई, 200 मीटर मुश्किल से। नहीं नहीं ज्यादा। अरे नहीं यार भाई, यही लड़ते रहेंगे। तुम नीचे दिखाओ अपने व्यूअर्स को, मतलब आप जस्ट बिटवीन 200 भाई 300-400 बस एक और चढ़ के आए हो अभी तक। तुम 400-500 मीटर होगा मैक्सिमम। और यहाँ पे सबके रेडिएटर खुल गए यार, यहाँ तो सब खुलने का रीजन ये है ना कि तुम्हारे पास गियर नहीं है ऊपर जाने के लिए। आपके पास गियर होते तब भी आप नहीं जा पाते, आप तो मत बोलो। गियर होना चाहिए ना तो हम पक्का चले जाते। सबसे पहले रेडिएटर वाले यही है जिनके रेडिएटर फूक गए थे। बट यार यहाँ पे ना सीनरी बहुत प्यारी है, देखो मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो आप व्यूज, यहाँ पे और लोग आते हुए, और फिर इधर ये मस्त कुछ ऐसा। पर भाई फिसलन बहुत है, मतलब ऐसे नॉर्मल जूतों में ना, या तो फिर आपको चलना है तो इस तरफ चलो, पर अगर इधर चलोगे तो ये देखो धसने का चांस, इतने धस जाते हो। तो कुछ ऐसा है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे और बस फिर कुछ खाते पीते हैं। क्या पियोगे, क्या खाओगे? यार मैगी खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे और क्या है। तो भाई इन दो साथियों के अलावा तीन चार साथियाँ और मिले हमें, जिन्होंने हमें काफ़ी हद तक कंपनी दी है, काफ़ी प्रो लोग हैं। पर भाई डर इसको बहुत लग रहा है भाई को, इनको तो है नहीं प्रो ट्रैकर। क्या देख रहे हो ऊपर भाई? ऊपर ट्रैवलर जा रहे हैं ना, तो क्यों देख रहे हो? उनको अपने पेट्स लेके आए हैं भाई साथ में, तो तुम ऐसे देखोगे लोगों को? भाई भाई ये बहुत स्लिपरी हो रहा है भाई, डर के आगे जीते। देखो अपन तो भाई यहाँ बैठ जाते हैं और लेट जाते हैं उल्टे और सीधे सर करके चले जाएंगे। ये सब तू साफ करे आपने। साइड में लेट जाओ। हम लोग आ गए हैं ट्रैक करके पूरा। और अभी ना भाई कैसा लगा एक्सपीरियंस अभी तक? भाई अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब हमने यहाँ आना था तो चाहे हम थोड़ा ही जा पाए बट अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। अपना बैठा है भाई, भाई गुस्सा हो गया भाई, चला गया, मुझे डर लग गया। गाड़ी अपनी तैयार हो गई है, चलते हैं। भाई कैसा लग रहा पराठा? यार पराठा तो बढ़िया, बड़े टाइम बाद अच्छा पराठा खाती चल रही हूँ। अच्छा घर के बाद मतलब नेक्स्ट डे ही रहा। तुम बताओ भाई गुप्ता जी? मैं बढ़िया था। पहली मील गई है पेट के अंदर। चाटी फैक्ट्री भाई अच्छा तो है। रात को दाल पनीर से इतना मेहनत नहीं आ रहा, कल तो मैं वैसे ही नहीं आना था ना टेस्ट। क्यों इतने टाइम बाद, दो दिन बाद खाना खाया? मेरे को तो ये याद भी नहीं, मैंने कल खाना खाया भी है, कैसा भी था। तो रिकॉल ही नहीं हो रही है। अरे यार, अरे हाँ याद आया, ठीक है। भाई टेस्टिंग बात भी तो यही वाली है, टेस्टिंग टेस्टिंग तो इनसे ही होता है। तो भाई कुछ ऐसा था, रास्ते में हम लोग कहाँ पे सोलान पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ, है सोलन से थोड़ा पहले, थोड़ा पहले 15 किलोमीटर। भाई 5 बज गए यार आते आते। एक्चुअली दिक्कत ये हुई ना कि भाई को चाहिए थार का माइलेज इस बार। बढ़िया चंडीगढ़ पहुंचना है, वही रुकना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा है कि भूख लग गई, 5 बज गए थे तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। तो भाई ने ऑर्डर किया, भाई क्या ऑर्डर किया है क्योंकि टेस्ट तो तुम करके बताओगे। इधर देखो ये पनीर तो प्याजा है, दाल है और लच्छे परांठे हैं। फाइनली भाई लच्छे परांठे खाने का बहुत मन, लच्छे परांठे बहुत बहुत टाइम से लच्छे परांठे नहीं खाए। और भाई कॉफ़ी के चरसी वाली, यहाँ पर कॉफ़ी पीते हुए भाई काफ़ी मशक्कत के बाद अपने पास आ गया खाना। और ये हमारे जो टेस्ट करते हैं, चलो भाई पहले थोड़ा बताए लोगों को। पहले पनीर खाते हैं। और गुप्ता भाई यार खाने में तुम कैसे पीछे हो? नहीं भाई, अर्णव भाई बैठे हुए हैं ना, भाई को कमी नहीं महसूस हो रही है। ये क्या यार, ये पनीर प्याज है। प्लेट ले लो। हाँ भैया ले लेंगे, पहले टेस्ट कर ले। रेम से रुका नहीं जा रहा, खाने का अच्छा लग रहा है। क्या खाना बढ़िया है भैया? पहले खाओ फिर बताओ। देखता हूँ खाने की मिला क्या। बढ़िया भाई, पहाड़ों का पनीर मिस करोगे तुम। दोबारा रुकेंगे वहाँ के, फिर यहीं खा के निकलते। अच्छा
सही कह रहा हूँ। अच्छा है यार देखो, अच्छा बढ़िया। अब एक थाली ले लो, इसमें ही खाओगे क्या? तो भाई अब खा लिया है खाना, खाना भी ठीक ठाक था है ना? हाँ, मतलब पेट भर गया खाने पे। पेट भर गया, अब देखते चंडीगढ़ पहुँच के थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही होगा। ऐसा कुछ ढाबा है और पीछे ऐसा कुछ हमारा सीन है। और भाई सनसेट तो बहुत मज़ेदार लगता है पहाड़ों में यार, एक बात तो है। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, चलो फिर चलते हैं अब वापस। तो भाई अब ट्रिप हमारी ख़त्म हो चुकी है और 11 का माइलेज हमने अचीव कर लिया है। Yes. कुछ तो बहुत होंगे तुम आज भाई। बहुत बहुत प्यार से चला यार चंडीगढ़ में आके। तो 11 यार वैसे टच करना था तो काफी कंजर्वेटिवली चलाई। टोटल किलोमीटर आई थिंक कितना हमारी ट्रिप रही है? 407 410 407 के आसपास हमारी ट्रिप रही है। तो भाई ट्रिप हो गई पूरी, हम आ गए वापस घर। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ और जय हिंद।